हे भगवान, आज तो फिर लेट हो गई। पक्का आज ये आज भी नहीं गया। अरे बेटा कहाँ पे है तू बेटा? अरे कहाँ गया तू, कहाँ मर गया? अरे माँ मुझे नींद आ रही है, अभी सोने दो माँ। अरे कब तक सोएगा तू, आज नहीं गया फिर से? अरे माँ मुझे तो बहुत सारी नींद आ रही थी, माँ तुमने जगा दिया। अरे माँ 12 बज गए, आज तो तुमने बताया भी नहीं। ये मेरी भी आंख लग गई, मैं ही क्या करूँ, मैं कैसे उठा दी तुझे? माँ सेठ जी आज बहुत ज्यादा डांट मारेंगे मुझे, मैं जल्दी जा रहा हूँ माँ। जल्दी चला जाए, जितने से ये नौकरी मिली है ये भी चली जाएगी आज से, जल्दी चला जाए बेटा। हाँ माँ मैं जाऊँगा, मेरे सेठ जी बहुत अच्छे हैं माँ। तो बस जल्दी चला जाए, मैं किसी के हाथ तेरे लिए खाना भेज दूंगी। ठीक है माँ, भेज देना माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। माँ अपना ख्याल रखना माँ, यहाँ पे गुंडे बहुत आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना माँ अपना। तू जल्दी चला जा, मेरी चिंता छोड़ दे बेटा, जल्दी चला जा। ठीक है माँ जा रहा हूँ मैं, आज तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे। हे भगवान आज तो मेरी बाई आंख फड़क रही है। ये लो सेठ जी आ गए बड़े साहब। ये लो आ गया। अरे हाँ हाँ ये आ गया। कमीने तूने होटल में आग लगाई है? अरे अरे साहब मैंने नहीं लगाई साहब। और इतना लेट कैसे आया, 12 बज रहे, कहाँ था तू अभी तक? सेठ जी मैं आज लेट हो गया था, मेरी माँ ने मुझे उठाया नहीं था, मैं लेट हो गया सेठ जी। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, आज तो तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगा मैं कमीने। सेठ जी मुझे लगता है यही ने आग लगाई है, तभी तो आज लेट आया है। हाँ हमको भी सेठ जी यही लगता है। हाँ मैं समझ गया, इसी ने आग लगाई है कमीने ने। 2 दिन मेरा होटल क्या चला दिया इसने, इसने आग लगा के मेरे पूरे होटल का नाश कर दिया। शेर जी मैंने नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। शेर जी आप तो मेरे पिता समान हो, मैं इस होटल को आग क्यों लगाऊंगा, आपने ही मुझे सहारा दिया शेर जी, ऐसा मत करो शेर जी। नहीं नहीं मैं नहीं मान सकता, आज तो 12 बजे आया, लेट क्यों आया, इसका कारण क्या है मुझे बताओ। शेर जी मेरी माँ ने मुझे नहीं उठाया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ शेर जी, एक बार अंदर आके मेरी बात सुनो ना शेर जी। हाँ बोल क्या बोलना चाहता है। शेर जी वो सच में मैंने नहीं लगाई आग शेर जी, वो आपका कोई 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 गांव वालों ने किया होगा शेर जी। हाँ गांव वालों में मेरी किसी से दुश्मनी नहीं कोई। शेर जी इसको जरा बाहर भेजिए, हम अभी पता लगवा लेंगे कि आग किसने लगाई है। हाँ गांव वालों ये लो, मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ इसे, सुधार दो इसे, पूछो इससे किसने आग लगाई। बोल कमीने किसने आग लगाई, बोल किसने आग लगाई शेठ जी के होटल को। छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। मारो मारो इसको, बोल वरना जान से मार देंगे। रुको रुको मैं पुलिस को कॉल लगाता हूँ, अब पुलिस ही इसका कुछ करेगी, आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो 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 सर, मेरे होटल में आग लगा दी है, मेरे होटल में जल्दी आइए सर। यही होटल है क्या? हाँ साहब जी यही होटल है। हाँ किसने कॉल किया था इस होटल से हमको, बताओ जरा। बोलो बोलो किसने कॉल किया। अरे साहब मैंने कॉल किया था। आप कौन है? मैं इस होटल का मालिक हूँ साहब। और ये कौन है साइड में जो है? ये मेरा नौकर है नौकर। अब हमको पूरी बात बताओ। साहब मैंने इसे काम पर रखा था 2 दिन के लिए, तो इस छोकरे ने मेरे होटल को आग लगा दी और दिन में 12 बजे आया है ड्यूटी पे। क्या इसने ऐसा किया, तूने ऐसा किया क्या? साहब नहीं पुलिस अंकल, मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो तो हम पता लगा लेंगे। तो सेठ जी ठीक है हम इसको लेके जाते हैं, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा, मेरे तो होटल का पूरा पैसा दिलवा दो इससे कैसे भी करके। हाँ वो सब भी हम इसी से पे करवाएंगे। सेठ जी माफ कर दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी। जिसने तुझे 2 वक्त की रोटी दी तूने उसी के सर पे लात मार दी। साहब नहीं मैंने नहीं किया साहब, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है झूठा। हवलदार ले चलो इसको, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। हाँ हाँ सब लेके चलते। मारो इसको मारो। नहीं नहीं कोई आगे मत बढ़ना, कानून को अपने हाथ में मत लेना, वो सब हम देख लेंगे। साहब मुझे बचा लो साहब। तुम शांति से चलते रहो हमारे साथ, आओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, बचा लो। नहीं मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, जा जा यहाँ से कमीने। हवलदार इसको पकड़ के बैठना, कहीं उतर के भाग ना जाए। नहीं साहब नहीं भाग पाएगा ये। क्यों बे तुझमें इतनी चर्बी चढ़ी है कि होटल को आग लगाएगा तू? साहब नहीं मैंने नहीं किया, मुझे विश्वास करो।
आज तो शाम होने को आई है, बेटा अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। और आज तो मैं खाना भी नहीं भेज पाई, कोई मिला ही नहीं भेजने के लिए। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ऐसा करती हूँ, होटल पे चलती हूँ, पता नहीं भूखा प्यासा किस हाल में होगा। सेठ जी ने कुछ खिला भी दिया होगा या नहीं। बेटा राजू कहाँ पे है तू? आज तो मौसम भी खराब होने वाला है। बेटा राजू, हे भगवान, छाता भी नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे तो। राजू बेटा, राजू बेटा कहाँ पे? होटल पे आग लगा दी। कैसा घटिया लड़का है, जिस सेठ ने उसको सहारा दिया उसी के पीठ पीछे उसने खंजर ठोपा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, मेरा राजू कहाँ पे? अरे तुम्हारा राजू गद्दार निकला। हे भगवान, क्या बोल रहे हो तुम लोग? ए मारो रे बुढ़िया को मारो। खबरदार, किसी ने मुझे हाथ लगाया, मेरा राजू कहाँ है बताओ मुझे। तुम्हारा राजू जेल में है, जेल में। क्या? और सेठ जी कहाँ पे गए? जब पुलिस उसकी ढिकाई करेगी ना तो सब मुंह खोल देगा। क्यों, किसके कहने पे और क्यों उसने होटल को आग लगाई? मुझे तो पक्का आतंकवादी लगता है वो। नहीं, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। उसने होटल को आग नहीं लगाई, पक्का किसी और का काम है। अब सेठ जी को बुलाइए। चले जा बुढ़िया, पहले अपने बेटे को तो बचा ले, पुलिस उसको ठोक रही होगी। मार पिटाई कर रही होगी, मार पिटाई। अरे मारो बुढ़िया को, बुढ़िया भाग यहाँ से। ए भगवान, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया उसने। हवलदार, इसने मुंह खोला क्या? होटल में आग क्यों लगाई और किसके कहने पे लगाई? ये कौन से टेररिस्ट ग्रुप का है? नहीं सब, अभी तक इसने मुंह नहीं खोला। मारते रहो, मुंह खोलेगा इसकी माँ भी मुंह खोलेगी। साहब छोड़ दो। अभी भी बता दे, कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं तो लंबा जाएगा लंबा। राजू बेटा, राजू बेटा कहाँ है मेरे बेटे? अरे आंटी जी, कहाँ घुसी चली जा रही हो? बेटा मैंने सुना है इस थाने में मेरे बेटे को पकड़ के लाई है पुलिस। नहीं नहीं आंटी जी, आप यहाँ से चले जाओ, इसमें तो बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी घुस आया है। क्या बेटा आतंकवादी? क्या नाम है उसका? उसका नाम राजू बताया जा रहा है। अरे वही तो है मेरा बेटा, आतंकवादी क्यों बना दिया उसको? क्या बुढ़िया, तू भी आतंकवादी है? चलो अंदर चलो। हे भगवान, हम तो अच्छे घर से बस शहर में गुजारा करने आए थे। चुप कर और अंदर चल, आतंकवादी की माँ। बेटा राजू कहाँ है मेरा राजू, कहाँ है? छोड़ो इसे, क्यों मार रहे हो तुम बेटा राजू? माँ माँ, मुझे बचा लो माँ। ओ तो तुम हो इस आतंकवादी की माँ। हे भगवान, तुम बार बार आतंकवादी क्यों बोल रहे हो? माँ मेरी कोई नहीं सुन रहा, माँ बचाओ। बेटा बेटा तू बच जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आग तो लम्बा जाएगा लम्बा, ये नहीं बचेगा। माँ मैंने होटल को आग नहीं लगाई माँ। बेटा मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। अरे माँ जी, जरा आप मेरे पास आइए, जल्दी आइए। आपने तो दिमाग खराब कर दिया, आप कुछ लाई हो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए? क्या बेटा, मैं समझी नहीं। कुछ लाई हो क्या, समझी नहीं अभी भी? बेटा मेरे पास सब मेरे पति का मंगलसूत्र, बेटा ये रख लो बेटा, मेरे पति को छोड़ दे बेटा। ले जाओ इसको और बोल देना इस शहर में आज के बाद दिखे ना ये। ठीक है बेटा, हम बहुत दूर चले जाएंगे ऐसे। माँ आपने मुझे कैसे चुड़ा दिया, ये तो मुझे आतंकवादी बोल रहे थे। तो चुपचाप चल, घर देखूंगी तुझे, कभी नहीं, चल अंदर घर। ए बुढ़ियो, ए लड़के, निकल मेरे घर से, निकलो दोनों मेरे घर से। मुझे क्या पता था मैंने आज तीन के सांप पाल रखे हैं। निकलो कमीना, निकलो बाहर, आओ बाहर। अब पुलिस ने तो छोड़ दिया, मगर मैं थोड़ी छोड़ दूंगा। खाली करो मेरा घर, वरना एक एक को गोली से मार दूंगा। निकलो बाहर, कहाँ हो अंदर से निकलो। खाली करो सेठ जी का घर, खाली करो, खाली करो। बेटा ये बाहर शोर कैसे आ रहे? मैं मुझे नहीं पता, बाहर चल के देखना पड़ेगा माँ। मुझे लगता है माँ बाहर गांव वाले आए हैं। तू अंदर रह बेटा, मैं आती हूँ बाहर से, तू अंदर रहना। चलो माँ मैं भी साथ चलता हूँ, देखते हैं कौन है बाहर। आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हे भगवान, ये क्या चक्कर हो रहा है, ये सनीचर आ गए हम पे तो। हे भगवान, इतने दुख क्यों देता है रे हमें? हाँ माँ मैं भी बहुत परेशान हूँ। परेशान तो तुझे मैं आप करूंगा, अभी तक तो कुछ नहीं किया। निकलो मेरे घर से।
सेठ जी ये क्या कर दिया आपने? सेठ जी पहले घर दिया, अब आप ही निकाल रहे हो हमको। सेठ जी आप ही ने तो घर दिया था, आप निकाल रहे हो। सेठ जी हम कहाँ जाएंगे? सेठ जी हमें एक दिन दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। एक दिन? एक मिनट का भी मौका नहीं दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे होटल को भी आग लगा दिया और मेरे घर पे भी कब्जा करके बैठे हो। सेठ जी छोड़ दो सेठ जी, प्लीज सेठ जी, मैं बहुत सारे समोसे बना के आपके घर को चला दूंगा। सेठ जी मुझ पर विश्वास करो। किस भरोसे की बात कर रहा है? जो तूने तोड़ दिया और अब तुम्हारा भरोसा कर लूं तुम लोगों पे? कहीं भरोसा नहीं टूटा साहब, आप झूठ बोल रहे हो, इतना झूठ ठीक नहीं होता। अभी भी मुझ पर आरोप लगा रही है बुढ़िया। गाँव वालों तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब, लेकिन घर से निकाल देना इनको। हाँ, इन्हें तो निकाल के ही रहूंगा मैं। तुम लोग क्या तमाशे देख रहे हो, चले जाओ यहाँ से। सेठ जी प्लीज सेठ जी छोड़ दो प्लीज, मैंने नहीं किया सेठ जी, कोई आपका दुश्मन होगा जिसने किया होगा। हाँ सेठ जी ये सही बोल रहे हैं, ये आपके किसी दुश्मन का काम है। अगर ये मेरे दुश्मन का काम है तो ये मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन तुम इस घर से अभी निकलो। चल बेटा चल, अब बात नहीं बनेगी। है माँ, अब तो जाना ही पड़ेगा माँ। निकलो कमीनो, आज तुम्हें छोड़ूंगा तो हती नहीं मैं। सेठ जी अब भी देख लो सेठ जी, मैं आपके समोसे बना दूंगा सेठ जी। इस गाड़ी में बैठो और सुन ड्राइवर, शहर से दूर जाकर फेंकना इन्हें, यहाँ पे तुम्हारा दिखने नहीं चाहिए ये। देखो साहब, शहर से बहुत दूर लेके जाऊंगा, बैटरी बुढ़िया अंदर बैठ। सेठ जी माफ कर दो सेठ जी हमें, सेठ जी ऐसे मत छोड़ो हमें। सेठ जी हमें मौका तो दीजिए। नहीं कोई मौका नहीं। चुप रहो तुम लोग, चलो जल्दी।